यहाँ हम लोग अगर देखें कि राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को देखना है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को देखना है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की, तो राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की कम भूमिका नहीं थी, क्योंकि अगर कहें आर्थिक ब्रिटिश विद्रोही अगर संघर्ष की हम बात करते हैं, तो जहाँ तक देश के सभी राज्य थे, उन सभी राज्यों में सबसे अधिक अगर देखा जाए ध्यान से, तो पहला अगर संपूर्ण रूप से विद्रोह हुआ तो वह हमारा क्षेत्र था बिहार। क्योंकि बता दें कि ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध, ब्रिटिश अंग्रेजों के विरुद्ध पहला सत्याग्रह का प्रयोग भी आप लोग जानते हैं कि पहला सत्याग्रह का प्रयोग हमारे गांधी जी के द्वारा चंपारण में ही किया गया था, गांधी जी के द्वारा चंपारण में किया गया था। तब से लेकर 1947 तक देश में स्वतंत्र होने के बाद तक यह स्थिति रही। अब यहाँ देखना है कि बिहार की जनता ने राष्ट्रीय आंदोलन में सभी चरणों में भाग लिया। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन अगर हुआ तो उसमें बिहार ने किसी सिर्फ एक आंदोलन में भाग लिया, बल्कि यहाँ हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार जितने भी आंदोलन हुए सभी आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, आगे भी रहा और उसमें अपना सहयोग दिखाया। अगर यहाँ हम बात करें, यहाँ आप लोग देखिएगा 1857 की जो महाक्रांति हुई या महासंग्राम जिसे हम लोग कहा जाता है, तो उस समय भी बिहार अपने योगदान बहुत अच्छी तरह से निभाया और इसमें सहयोग दिया, जिसमें आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह बिहार के ही रहने वाले थे। और यहाँ देखिए राष्ट्रीय आंदोलन की जो चेतना जगती है, बिहार की जो चेतना थी, बिहार मतलब ऐसा नहीं था कि आंदोलन नहीं हुआ था, आंदोलन बहुत हुए थे, लेकिन उस आंदोलन में सक्रिय रूप से किस किस आंदोलन में बिहार रहा है उन चीजों को इसमें देखना है। यानी बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन जब शुरू हुआ, राष्ट्र में आंदोलन शुरू हुआ, तो बिहार का योगदान क्या था, किन लोगों ने योगदान दिया और कैसे रहा, इस चैप्टर में आप लोग को दिखाएंगे। और अगर हम बात कहें कि राष्ट्रीय चेतना की बात करें, बिहार की अगर राष्ट्रीय चेतना की बात करें, तो यहाँ बताएं कि आंदोलन होते रहे, आंदोलन हुआ, जैसे बहावी आंदोलन हुआ या सीमित क्षेत्रों में ही रह गया। जैसे कुछ आंदोलन ऐसे हुए बिहार में जो बिहार के कुछ क्षेत्रों तक ही रहे, और उसमें अगर 1857 की बात करें तो करा संग्राम में बिहार वासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत से आंदोलन हुए बिहार में, ऐसा नहीं है कि यही आंदोलन से शुरुआत हुआ, बहुत से आंदोलन हुए, लेकिन वह आंदोलन जो हुए वह बिहार के इर्द गिर्द मतलब कुछ इलाकों तक ही गया, कुछ लोग ही उस आंदोलन को जान पाए। लेकिन जब 1857 की क्रांति जिसे हम लोग कहते हैं वह आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में बिहार वासियों ने, यानी 1857 की जो क्रांति थी, यहाँ बता दें 1857 की जो क्रांति थी, यह क्रांति बिहार वासियों पे एक अपना अलग परिचय छोड़ा, एक अलग छाप छोड़ा। और करा इसमें एक तो यह आंदोलन चेतना का विषय जगाता है बिहार में, या चेतना का विकास हुआ बिहार में, 1857 की क्रांति पहली इसे हम मान सकते हैं। और दूसरी रूप से यह माना जाए तो दूसरी हो गई बाबू पश्चात शिक्षा का प्रचार। जो पश्चात शिक्षा का प्रचार हुआ उसमें राजनीतिक विचार बदले, विशेषकर राष्ट्रवादी विकास का योगदान हुआ, ऐसे हुए। अब करा इसमें बिहार के योगदान में देखिए कुछ खास नहीं है, जैसे इस चैप्टर को आगे हम बढ़ाएंगे और भी टॉपिक आते रहेंगे, कंटिन्यूस यही है कि एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इसमें प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से देखना है। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय भावना से प्रेरित सार्वजनिक संगठन का स्थापना होता है। जब बिहार संपूर्ण रूप से सभी जगह पर भाग लेना प्रारंभ करता है, या सभी जैसे 1857 की क्रांति में अपना उपलब्धि दिखाया, वह उसके बाद ही बिहार में, या कहें कि राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर सार्वजनिक संगठन का स्थापना होता है। वह स्थापना होता है 1880 के दशक में, जिसमें कर एक दशक में अनेक भागों में होने लगी। कर इसके स्थापना होते ही अनेक भागों से लोग, बिहार के अनेक भागों से लोग क्रांति के प्रति अपना वर्चस्व दिखाने लगे। इसी बीच 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निर्णय लिया जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मूल्य निर्णय लिया जाता है कि 1885 में की स्थापना किया जाए, कांग्रेस की स्थापना किया जाए। वहीं तुरंत 1886 में, यहाँ नोट कीजिएगा, 1886 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है जी? कलकत्ता में होता है, जिसमें बिहार के प्रतिनिधि के रूप में बहुत से लोग भाग लेते हैं। हम बताए थे ना कि पहला तो राष्ट्रीय चेतना यहाँ से जगती है 1857 के बाद,
बिहार वासियों में एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। उसके बाद बाबू उसमें जो पश्चात शिक्षा आती है, पश्चात शिक्षा उसमें राजनीतिक बदलाव होते हैं, विशेषकर राष्ट्रवाद के प्रति लोग जागरूक होते हैं। और उसी बाद 1880 में आपका सार्वजनिक संगठन की स्थापना होती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निर्णय लिया जाता है, यानी हो भी जाता है। 1886 की बात करें तो उस समय पहला अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता में किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि बिहार से बहुत से लोग उसमें भाग लेते हैं, यानी बिहारवासी बहुत से उसमें भाग लेते हैं। और इसके बाद कांग्रेस के सभी अधिवेशन में जब यहाँ से बिहार के लोग प्रभावित होने लगे तो कांग्रेस के सभी अधिवेशन में पहुँचना शुरू करते हैं लोग। अगर हम यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बिहार में सबसे पहले कांग्रेस का कोई सपोर्ट किया, कांग्रेस को अगर वर्चस्व दिया, कांग्रेस का बढ़ावा दिया या कांग्रेस को और उन्नति का शिखर पहुंचाया, तो पहला बिहार से जाता है दरभंगा के महाराज, जिनका नाम है लक्ष्मेश्वर सिंह। लक्ष्मेश्वर सिंह के ने क्या किया कि कांग्रेस के जितने भी सहयोगी थे सबका सहयोग करना प्रारंभ किया, यानी कांग्रेस कमेटी में जितने भी लोग थे या कांग्रेस पार्टी को दरभंगा के महाराज पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बिहार का कौन ऐसे महाराज थे जिन्होंने कांग्रेस को सहयोग प्रदान किया था, तो दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह। सॉरी, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर काम प्रारंभ हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पे काम जो प्रारंभ होता है, संगठनें बनाई जाती हैं, बिहार के लोग प्रत्येक संगठन में भाग लेने लगते हैं, राजनीतिक चेतना का बढ़ावा अगर कहा जाए कि बिहार में जागरूक होने लगती है। इसी समय जैसे ही राजनीतिक चेतनाएं बिहार के लोग अन्य क्रांतियों में भाग लेने लगते हैं, अन्य आंदोलन में सहयोग देने लगते हैं, उसी बीच क्या एक घटना घटती है बाबू, यह तो बिहार को बंगाल से पृथक करने की घटना घटती है। और वह घटना घटती है 1894 को। 1894 में एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम होता है बिहार टाइम्स, और यह पत्रिका आरंभ कर दी जाती है। मतलब 1894 में एक पत्रिका प्रारंभ होती है जिसकी नाम होती है बिहार टाइम्स, जिसकी नाम होती है बिहार टाइम्स। इस पत्रिका के प्रारंभ किया जाता है। इसे पूछेगा यहाँ पे कि बिहार टाइम्स पत्रिका की शुरुआत कब की गई, 1894 में। कब? 94 में, जिसमें इसी पत्रिका में पहली बार, इसी पत्रिका में पहली बार बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग होती है, या इसी पत्रिका में पहली बार बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिया जाता है, या जिसके संपादक, देखिए कि पूछेगा कि बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे, तो महेश नारायण और इनके सहयोगी के रूप में सचिदानंद सिन्हा थे। पूछेगा बिहार पत्रिका कब प्रारंभ हुआ, 1894 में, उसके सचिव कौन थे, संपादक कौन थे, महेश नारायण, मुख्य सचिव कौन थे, सचिदानंद सिन्हा। उसी समय बिहार का पूछेगा, उसी समय पूछ देगा कि जिस समय बिहार टाइम्स निकला या जिस समय बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई 1894 में, किस पत्रिका में की गई, तो बिहार टाइम्स में की गई। उसके संपादक कौन थे, महेश नारायण थे, और सहयोगी कौन थे, सचिदानंद सिन्हा थे। कह रहा है कि उस समय बिहार का राज्यपाल या उपराज्यपाल कौन था, जिस समय बिहार प्रांत अलग बनाने की घोषणा बिहार टाइम्स में 1894 में जब घोषित किया गया, उस समय बिहार का राज्यपाल, तो बाबू बिहार का राज्यपाल थे आपका चार्ल्स इलेट, चार्ल्स इलियट। यह चार्ल्स इलियट बिहार के, कहाँ के, बिहार के उपराज्यपाल थे, उपराज्यपाल था उस समय, बिहार का राज्यपाल था चार्ल्स इलियट।
इसको दिया गया, इसको कहा गया, यानी इससे निमंत्रण भेजा गया कि बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाए। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव यहां से भी पूछेगा कि जब बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए घोषणा किया गया तो बिहार का या निमंत्रण दिया गया तो बिहार का उप राज्यपाल कौन था? चार्ल्स इलियट। और इसी के समय जब इसको घोषणा मतलब एक पत्र जारी किया गया दिया गया तो यह क्या किया, बिहार को नहीं बांटा बंगाल से, अस्वीकार किया गया। और इसके बाद आते हैं आपके करजन महोदय जिसने 1905 में बिहार को बंगाल से पृथक राज्य बनाने की कोशिश किया। अब बनाने के पीछे भी बहुत ऐसा नहीं था कि करजन ने आया और करजन ने बिहार बंगाल को बांटा, उसने अंग्रेजी रियासत को मजबूत करने के लिए, हम आपको बता दें यहाँ पे कि जब बिहार बंगाल की अगर हम बात करें तो उस समय बंगाल एक था, बंगाल, और इसमें प्लस बिहार भी था, बिहार, ये दोनों एक थे। इसको सब अगर कहा जाए तो 1905 में, कब जी, 1905 में कौन बांटा, उसमें बांटने वाला आपका हो गया करजन, बताए थे लॉर्ड करजन, लॉर्ड करजन इसने बांटा। बांटने का मुख्य उद्देश्य यह था कि उस समय यहां पे हिंदू प्लस मुसलमानों की संख्या अधिक थी जो बिहार के क्रांति के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन करजन ने राजनीतिक बुद्धि लगाया और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। कब? 1905 में क्या किया है, करजन ने किया, विभाजन करजन ने किया था, याद रखिएगा। यहाँ आगे ऐसा नहीं है कि अभी आंदोलन यह खत्म हो गया, अभी एक छोटी सी एक टॉपिक थी कि स्टेबल किए हैं, बनाए हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक कमेंट आते हैं तो आगे की टॉपिक भी इससे बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।